बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, y+13 n2 y+a, और साथ में लिखा है कि हैज नो लीनियर टर्म, फाइंड ए। यानी इसमें हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है, और इसमें ये भी कहा गया है कि हैज नो लीनियर टर्म। यानी ये जो इक्वेशन है y+13 y+a हैज नो लीनियर टर्म, इसका कोई लीनियर टर्म नहीं है और ए की वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई को इस वाई के साथ एंड इसी तरह वाई को ए के साथ। तो वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई से आ जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई मल्टीप्लाइड बाय ए से आ जाएगा ए वाई। इसी तरह 13 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 13y, और 13 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13a। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टर्म से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस a प्लस 13 एन टू y प्लस 13a। अब यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी ये बात क्वेश्चन में मेंशन की गई है कि हैज नो लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म का मतलब जिसमें भी वेरिएबल पावर वन हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर टर्म। यानी यहाँ पे लीनियर टर्म जो है हमारे पास वेरिएबल वाई है, तो इसका ये वाला लीनियर टर्म हैज नो लीनियर टर्म का मतलब कि ये जो कोएफिशिएंट है ये इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि लीनियर टर्म तो इसमें नहीं है, यानी जीरो है। तो फिर आप इसको यूँ लिखेंगे कि एज the equation has no linear term, so a plus 13 is equal to 0। तो a plus 13 यानी ये coefficient of y है, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसका मतलब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ए की वैल्यू को फाइंड करना है 13 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ए इज इक्वल टू -13 हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। ए इज इक्वल टू -13। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन ax² + 5x = 3 has x = 1 as a solution। What is the other solution? The equation ax² + 5x = 3 has x = 1 as a solution। What is the other solution? तो इसमें आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सोल्यूशन आते हैं, और एक सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की गई है, एक सोल्यूशन जो है दैट इज x = 1। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा वो आपने फाइंड करना है। तो अगर एक सोल्यूशन 1 गिवन है तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जहाँ पे x हैं उसकी जगह ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ax² + 5x = 3 पुट x = 1।
एन टू वन स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की जगह वन इज इक्वल टू थ्री। अब फर्दर हमने क्या करना है कि वन स्क्वायर तो ऑलरेडी वन के बराबर होता है एंड फाइव वन जर फाइव इज इक्वल टू थ्री, ए मल्टीप्लाइड बाई वन से ए आ जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री। फाइव के इस साइड पे ले आए तो ए इज इक्वल टू थ्री, साइन चेंज हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा और इसके बाद ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव से क्या आता है माइनस टू, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो ए है इसकी वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं चाहिए वो हमें नहीं पता, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ए की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है कि जो एक सॉल्यूशन गिवन है वो इस इक्वेशन में पुट कर ले एक्स की जगह तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लें, तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा, ए की वैल्यू है माइनस टू तो हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री। अगर थ्री को हम इस साइड पे ले आए या ऐसे कर लें कि ये सारा टर्म इस साइड पे ले जाएं, फिर भी कर सकते सही होगा, ये टर्म इस साइड पे शिफ्ट कर लें, जीरो इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर है ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स है माइनस फाइव एक्स एंड प्लस थ्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आपकी मर्जी है कि किस मेथड पे आपने इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे सॉल्व करना है या फैक्टराइजेशन पे करना है। फैक्टराइजेशन पे तो टू थ्री जार सिक्स, फैक्टराइजेशन के लिए हम कहते हैं कि ए और बी की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। अब ऐसी टू नंबर ये यहाँ पे बी की वैल्यू है माइनस फाइव जिसकी मल्टीप्लीकेशन से आ जाए सिक्स और एड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए माइनस फाइव, तो अगर देखा जाए यही टू नंबर हैं टू थ्री जार सिक्स आते हैं और टू प्लस थ्री से क्या आता है फाइव, तो क्या करेंगे कि अगर इन दोनों को हम ऐसे लिखें, इन दोनों वैल्यू को हम लिख लें माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री, तो रिजल्ट आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू थ्री जार सिक्स और माइनस टू माइनस थ्री अगर एड कर ले तो इसे क्या आएगा माइनस फाइव। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये टर्म तो एज इट इज लिखते हैं टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स, एक्स की जगह आप क्या पुट कर लेंगे ये टू और थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स और लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज लिखते हैं प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इन दो से हम क्या कॉमन ले सकते हैं टू एक्स, तो टू एक्स कॉमन ले एक्स माइनस वन रह जाएगा और इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं ये साइन, जो भी यहाँ पे प्लस हो प्लस लिखेंगे माइनस हो माइनस लिखेंगे और यहाँ से हम थ्री कॉमन ले सकते हैं तो रह जाएगा एक्स माइनस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अगेन आता है, बस आप इस ब्रैकेट में जो भी है वही लिख ले तो आपका क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ये वाला साइन आपने सही पुट किया हो तब इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब इन दोनों के साथ जो कॉमन है एक्स माइनस वन इधर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं टू एक्स माइनस थ्री एन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फर्दर क्या कर सकते हैं, रिजल्ट क्या है जीरो, एट्स मीन या तो ये टर्म जीरो है या ये जीरो है या दोनों जीरो है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन में जब रिजल्ट जीरो आए तो इसका मतलब कि एक टर्म तो जीरो होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो थ्री को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू वन को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस वन है प्लस वन हो जाएगा। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें कि एक्स के कोएफिशिएंट पे दोनों साइड डिवाइड कर लें और एक्स इज इक्वल टू वन, ये तो ऑलरेडी है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री बाय टू और एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन था, इसका मतलब कि सही आ गया हमारा आंसर, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन ऑलरेडी एक सोल्यूशन था और दूसरा सोल्यूशन जो हमने फाइंड करना था अदर सोल्यूशन, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू एज द
सेकंड सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट x square minus 7x minus 10 is equal to 0. What is the positive difference of the roots x square minus 7x minus 9 is equal to 0? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो रूट्स सॉल्यूशन सेट के आते हैं। अब जो रूट्स आपके पास आते हैं तो उनमें पॉजिटिव डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, तो उन रूट को आपने माइनस करना है, क्या आंसर आता है वो आपने फाइंड करना, जो रिजल्ट आ जाए इसको सॉल्व करके, बाय फैक्टराइजेशन करते हो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले जिससे आपको इजी लगे, जिससे कर सकते हो, सॉल्व करके जो रूट्स आए तो उन रूट्स का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जब भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि माइनस करना। तो यहां पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। लेट से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड पे नहीं होता, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे सॉल्व करता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में होना चाहिए, और जनरल फॉर्म जो होता है वो ऑलरेडी इसमें है, यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी। फिर उसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपके पास 1 है, बी की वैल्यू है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7 एंड सी की वैल्यू है कांस्टेंट माइनस 9। अब इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको मैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 नेम देता हूँ, इसमें हमने पुट करना है जितनी भी वैल्यू है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का ये वाला, और बी की वैल्यू क्या है माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और ए की वैल्यू क्या है 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस से क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस 7 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस अपना लिखेंगे, ये फॉर्मूले का है बी स्क्वायर यानी माइनस 7 स्क्वायर से क्या आता है, माइनस स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49 36 डिवाइडेड बाय 21 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसे क्या आता है 85 डिवाइडेड बाय 2। 85 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे इस प्लस माइनस का मतलब है कि टू पॉसिबिलिटी है, एक ये हो जाएगा कि 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2, और दूसरा 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाय 2। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। अब ये दो रूट्स आ गए, अब इनका क्वेश्चन ये है, एक्चुअल क्वेश्चन, कि इन दो रूट्स का पॉजिटिव डिफरेंस क्या है।
पॉजिटिव डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, केन टू रूट्स को इससे ये वाला सबट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस तो पॉजिटिव डिफरेंस के लिए क्या करेंगे कि एक हमारे पास है 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाय 2 माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाय 2 यहां पे ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन क्या होगा, चेंज होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे फर्दर के 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाय 2 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाय 2। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले टर्म जो नोमिनेटर में है जेट एस ऐड करते हैं तो 7 ये वाला और ये माइनस 7 प्लस 85 अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 85। यहाँ पे प्लस 7 माइनस 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे एक 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 से क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाय 2। ये 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 85। ये है पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट्स एज अंडर रूट ऑफ 85। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके साथ एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया और नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 1.2। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, प्लीज लाइक टू आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स।